الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں خوب جی لگایا جینے میں کہ موت کو مسلمان بھول گئے حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو جس دھرتی پہ نبی کی توہین ہو کہیں گر نہ پڑے آسماں دوستو میرے انتہائی صد واجب الاحترام مسجد حزا کمیٹی اور میرے انتہائی غیور اس علاقہ کے باسی بزرگوں دوستوں بھائیوں بیٹوں اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میری ماں بہنوں بیٹیوں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے دعا ہے کہ حق باری تعالی ہمیں حق سچ کہنے کی ہم سب کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
आज खुतबा जुमा के हवाले से आपके इस इलाका साईवाल हड़प्पा में हम जमा हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं तवील सफर करके आता हूं तो मुदल्लल गुफ्तगू भी हो जाए, नए आने वाले दोस्तों की समझ में बात भी आ जाए और मेरे सबका दोस्तों को यह पता लग जाए कि मैं क्यों अहले हदीस हुआ। मुझे पता है कि इंतहाई शौक के साथ वो भी मेरे दोस्त मुझे सुनने के लिए आते हैं और हसरत से देखने के लिए भी आते हैं कि पीर अफजल कादरी साहब वाकई अहले हदीस हुए हैं या नहीं। पहली सच्चाई तो यह हो जाती है जब मैं कहीं हाजिर होता हूं पता चलता है कि पीर अफजल कादरी अहले हदीस हो गया है। असल हकीकत को जानने के लिए मुझे तवील और मुदल्लल गुफ्तगू करना पड़ती है और उन वाकयात को दोहराना पड़ता है जिन वाकयात के बाद मैं अहले हदीस हुआ। वाकया बहुत पुराना हो चुका, जिस वाकये को गुजरे एक महीना हो जाए वो भी पुराना हो जाता है, लेकिन एक साल से ज्यादा गुजरने के बावजूद नए इलाकों में ये वाकया नया होता है और लोगों की ख्वाहिश भी होती है कि हमें बताया जाए कि आपकी ये इब्तदा कहां से शुरू हुई, वो कौन सी ऐसी अदा थी, वो कौन से ऐसे वाकयात थे, वो कौन सी ऐसी सच्चाई थी जो पीर अफजल कादरी ये जिन्नों वाले पीर के सामने आई तो ये अहले हदीस हुआ। क्यों? इसलिए कि हम तो रावलपिंडी शहर के अंदर जामिया कादरिया कानिया मेरा जामिया है, उस जामिया में मेरी एक अपनी एक गद्दी है, उसमें मैं सुकून से बैठा था और फिर अपने जिंदगी के लम्हात को गुजार रहा था। लोगों का सिलसिला चला आ रहा था कराची से लेकर के खैबर तक, मेरे पास लोग आते थे जाते थे और यह सिलसिला साला साल चलता रहता था और फिर साल के बाद एक दिन ऐसा भी आ जाता था जब साला साल लोग जिन निकलवाने के लिए मेरे पास आते रहते थे। पूरे साल का यह सिलसिला चलता रहता था और साल के बाद एक दिन यह भी आता था कि हम उसको उर्स का नाम दे देते थे। उस दिन जितने भी शहरों के अंदर मेरे मुरीद मौजूद होते थे वो सारे इकट्ठे हो जाते थे और एक तकरीब हो जाती थी, उसको उर्स का नाम देते थे हम। इन सारे सिलसिलों के अंदर सुकून से बैठा हुआ एक शख्स, आने वाले भी लाकर दे रहे हैं और जब हम जाते हैं तब भी वो नवाजते हैं और ये सिलसिला अरसा दराज से पिछले 23.5 सालों से जारी, 43 ईयर्स या 44 ईयर्स मेरी एज, 45 या 45 साल, जिसमें से 23.5 साल का अरसा मेरा आस्थाने पे उर्सों की नजर होकर के और इस जिन्नों वाले सिलसिले में गुजरा। और मेरा जामिया जामिया खिजरातुल बनात रावलपिंडी शहर में बच्चियों का एक जामिया है, मेरे पास 350 के लगभग बच्चियां पढ़ रही थी और अल्लाह की रहमत से अब भी पढ़ रही हैं। बाज लोगों को इशाक होता उस वक्त पढ़ती थी, अब क्या हुआ इसको इंशाल्लाह बयान करूंगा। और मुझे किस चीज ने, किस सच्चाई ने, मुझे किस हकीकत ने इस राय हक पे गामजान किया, जुम्मे का खुतबा 1 घंटे का, इसमें मुख्तसरन बयान करूंगा। दिल चाहता है कि जब इतना तवील सफर तय किया जाए, 9-9 घंटे की ट्रेवलिंग की जाए, रास्ते की मुशक्कतें और तकलीफें और यह धुंध का सिलसिला, रास्तों के हादसात और यह जिंदगी का जो सफर है यह इसी तरह कीमती बन रहा है, दिल चाहता है कि खुल के बयान करूं इंशाल्लाह ताला।
उस वहां पे रावलपिंडी में मेरा यह सिलसिला चल रहा था। लोग आते थे जाते थे, ज्यादा तादाद मेरे पास खवातीन की आती थी। जिन निकलवाने के लिए अक्सर जिन पड़ती खवातीन को है, मर्दों को तो कम पड़ते हैं। और फिर आगे जैसे वो जिन लेके आती थी ऐसे ही निकालने वाले भी बैठे होते थे। जिन्हों का सिलसिला, आज जिन्हों को क्या फुर्सत लगी कि इंसानों के साथ चिमट जाए, औरतों के साथ चिमट जाए, बीबियों के साथ, और एक से दूसरी बीबी को जिन पड़ते। और आगे निकालने वाले का हमारा जो सिलसिला था, हमारे पास भी कोई ऐसी कसौटी नहीं थी निकालने वाली, ऊपर बना हुआ था और बने बनाई गेम है, बस बनी हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं निकाल रहे हैं, बस का सिलसिला चल रहा है। और जब आती थी पूछते थे, हाँ बीबी, सबको अलग कर दिया, बीबी का धारा डाल दिया, उसमें बिठा दिया छड़ी के साथ, बीबी हलना नहीं है। अब अगर हलोगी जिन नहीं है तो हमारे आस्थाने से आपके साथ चिमट जाएंगे। अब मैंने ये कह देना, अब बीबी ने डर के मारे सहम जाना, और जिन होते तो न सहमती, डर जाती। अब पीर साहब मेरे साथ जिन नहीं है, जिन न चमोड़ना यहां से, अब मैं फिर मसला क्या है। अब मसला यह बताती, अक्सर बीबियां यह मसला बताती, झगड़ा है जी नंद के साथ, शादी हुई है जी सास के साथ झगड़ा है, खावन बात मानता नहीं है, और घर में मेरा अख्तियार चलता नहीं है, और मेरे जेवरात खावन ने लेके भेज दिए, और मेरा घर नहीं है, मेरी झोपड़ी नहीं है, और मैं अलग होना चाहती हूं, मैं ये कर। बस ये ही सिलसिले होते थे जो जिन्नात का सबब बनते हैं। बस जिन्नात, इसका जिस जगह उसको जिन्नात का नाम दिया गया, उन बीबियों ने झूठा नाम दिया इसको। और फिर मैंने कहना कि इसके बाद तुम्हें जिन नहीं आने चाहिए, हाँ अगर आएंगे तो फिर असली आएंगे, ऐसा स्थाने से चले जाएंगे, हमने भी झूठ बोलना उन्होंने भी झूठ सुनना, आप इसके बाद असली आएंगे। अच्छा, और फिर उनके घर वालों को उनके मुतालिक कह देना कि अब इसको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए, अब इसके साथ ये सिलसिला, जो उसको परेशानी होती हम उनके घर वालों को बताते, आइंदा इसको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर आइंदा इसको परेशानी दोगे तो ये जिन आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, अब उसकी वो जो मसला असर होता वो हल हो जाता, मसला असर हल हो गया, बीबी को जिन ना पड़े। और जी पीर अफजल कादरी के पास गए थे रावलपिंडी में, बड़े जबरदस्त जिन निकाले जी, गए उसके बाद जिन आए ही नहीं। और हमने क्या करना, एक बोतल लेकर के खाली बोतल को बंद करके दे देना, इसको जाके एक सहन में दफन कर दो, इसको हलाना नहीं है, और अगर तुम झगड़ा करोगे तो जिन इस बोतल से बाहर आ जाएगा। अब एक खातून मुल्तान शहर के अंदर मुझे कहती